ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC ई वॉलेट को लेकर। कई बार क्या होता है, IRCTC ई वॉलेट में हम पेमेंट ऐड करते हैं तो हमारा पेमेंट जो है ऐड नहीं होता, यानी कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है किसी रीजन की वजह से, या फिर हमारा बैंक की सर्वर की प्रॉब्लम से हो, या फिर IRCTC की सर्वर से हो, लेकिन हमारा पेमेंट जो होता है ऐड नहीं होता है और पेमेंट जो हमारा रिफंड नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए पेमेंट रिफंड पाने के लिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों फाइनली IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले जब IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लेंगे तो पेमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को KYC करना होगा, तभी आप IRCTC ई वॉलेट पे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, इसके बाद IRCTC ई वॉलेट का एक ऑप्शन आता है देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, थोड़ा पेट कुछ टाइम के लिए वेट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाते हैं थर्ड नंबर में, रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो मेथड आता है, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर से हम यहाँ पर KYC कर सकते हैं। नंबर वन आधार नंबर डालना है, सॉरी आधार नेम डालना है, इसके बाद सेकेंड नंबर में आधार नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आ जाएंगे जो कि जिस आधार कार्ड में जो आपने नंबर दिए होंगे उस नंबर पर OTP फिल करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपडेट KYC। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका KYC कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप KYC कर लेंगे कंप्लीट तो आप लोग यहाँ से इजीली तरीके से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, जब हम पेमेंट ऐड करते हैं तो हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है और हमारा पोर्टल में यानी कि IRCTC ई वॉलेट में पेमेंट ऐड नहीं होता है और पेमेंट रिफंड नहीं आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपका पेमेंट फेल होता है, बैंक की सर्वर की प्रॉब्लम हो या फिर IRCTC की सर्वर हो, तो आप लोगों को 3 से 4 दिन तक वेट कर लेना है। 99% केस में आप लोगों को पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। यदि 1% पेमेंट आपका रिफंड नहीं आता है, IRCTC का 139 हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है और यहाँ पर आपको कंप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन ID जो होगा, फेल ट्रांजेक्शन ID, वो आपको शो करना है, किस डेट में आपको पेमेंट ऐड किए थे वो सारा कुछ बताना होगा। जैसे ही आप बताते हैं 24 से 48 घंटे में वहां से आपको पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के IRCTC के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं कर जा पाते हैं तो आप लोगों इस ईमेल ID पे आपको मेल करना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में IRCTC ई वॉलेट रिफंड अमाउंट डालना है। इसके बाद सब्जेक्ट में आप लोगों को ट्रांजेक्शन ID, डेट ऑफ जर्नी, किस डेट में आपने पेमेंट ऐड करने की कोशिश की है, फेल ट्रांजेक्शन ID डालना है और कितना अमाउंट है वो आपको डालने के बाद मेल कर देना है। जैसे ही मेल करेंगे तो आपका पेमेंट IRCTC के तरफ से 24 से 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग यदि आपका पेमेंट फेल्ड होता है तो रिफंड पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।